ऑल बिकॉज ऑफ कॉल भैया, ऑल बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने हमें इंस्पायर किया। अरे मैंने यहाँ से हम वायरिंग नहीं लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ से ना पैकिंग नहीं हो सकती और उसमें हो जाता है फिर चूहा घुसने का डर। कस्टमाइज हाउस बना रखा है कमल भैया ने, हाई और मिड मिला के 17। कैसे लग रहे हैं बताना भाई कमेंट बॉक्स में। इलीगल है भाई, टोटली इलीगल है। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे हो गए। और भाई अब मैं निकल लिया हूं सीधा करोल बाग के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हूं। लेट तो क्या था यार, बस कल तो यार लाइट ने इतना परेशान कर दिया, पूरी रात लाइट नहीं थी। लाइट थी घर में, तीन फेज, ऐसे तीन फेज का मीटर लगा हुआ है, तो एक फेज आने जाता और उसी एक फेज पे भाई है मेरे सारे पावर सॉकेट। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। एसी चले ही नहीं सारी रात। वाह भाई, पंखे में सोए, बहुत दिनों बाद पंखे, बहुत सालों बाद पंखे में सोया हूँ भाई। तो भाई गर्मी बहुत हो रखी है, उम्मीद करता हूँ आज बारिश हो जाए भाई। और मैंने इस साइड का कर्टन भी हटा रखा है। पूछते भी रहते हूँ उसे कि विक्रम भाई क्या ये अलाउड है कर्टन? भाई देखो कानून में तो ऐसा कोई स्पेसिफिक तो लिख नहीं रखा इसके बारे में। ब्लैक फिल्म तो भाई अब अलाउड है नहीं, आप फिल्म किसी प्रकार की नहीं लगवा सकते गाड़ी में। पहले तो स्किन प्रॉब्लम बता के भी लगवा लेते थे, डार्क फिल्म लगवा लेते, पर अब वो अलाउड नहीं है भाई बिल्कुल भी। कर्टन भाई आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। निकलने में तो भाई आप कश्मीर टू कन्याकुमारी निकल जाओ कोई ना रोके, और निकलने भाई घर से बाहर निकलो और दूसरे नाके पे पुलिस वाला रोक भी ले आपको, तो वही बात है भाई, चल गया तो चल गया, नहीं तो नहीं चला। तो वैसे दिल्ली एनसीआर में कम रोकते हैं, देखो बाकी मैं क्लियरली किसी जगह वही मैं बोल रहा ना, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दिल्ली एनसीआर में वैसे बहुत गर्मी पड़ती है, तो भाई यहाँ थोड़ा कम ही रोकते हैं, तो चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चंडीगढ़ में तो भाई अगर छोटा सा भी लगा हुआ है ना पीछे, उसको भी रोक लेंगे, तुरंत रोक लेंगे। आम आदमी टू बड़ा आदमी, वो किसी को नहीं छोड़ते भाई। तो मैं थोड़ा सा लेट इसलिए भी हो गया क्योंकि सुलभ आया हुआ था, उसको यार प्रॉपर्टी भी दिखानी थी दो चार, तो भाई उसका एकदम से तो फाइनल। देखो प्रॉपर्टी छोटा मैटर तो होता नहीं है कि आज देखा और कल फाइनल, मतलब आज देखा और शाम को फाइनल, जो भी मतलब जैसे भी है, तो भाई टाइम तो लगता है उस चीज में। तो अब है हैरियर की ब्यूटिफिकेशन की बारी, मतलब चला ही हुआ है। आपने एक ब्लॉग था जिसमें हम सारा चीज फाइनल करके आ गए थे, अब हम जा रहे हैं लगवाने के लिए। वैसे तो आज मैं हो चुका हूँ काफी लेट है, दोपहर का टाइम हो चुका है, देखते हैं कितना काम हो सकेगा, जितना हो सकेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आज ही करवाऊंगा। अगर कुछ छोटा मोटा बचेगा तो भाई देखेंगे कल आएंगे, बाकी तो आप मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि इस वीडियो को ना ध्यान से देखना, हर चीज अच्छे से बताऊंगा आपको, डिटेल्ड बताऊंगा। अब मिलता हूँ सीधा आपसे कमल भैया की शॉप पे। बड़ी गंदी भली हो रही है, पर भाई शाइन मारना बंद नहीं कर रही है। लो जी ऑटोमोटिव 17 एट ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम। बड़ा कार एंथुजियास्ट हूँ, मुझे कार्स की नॉलेज गेन करना ना बहुत अच्छा लगता है, तो तब मैंने प्ले कर लिया कुकू एफएम पे। और कुकू एफएम पे आज मैं सुन रहा था किया के बारे में कि कैसे एक साइकिल पार्ट बनाने वाली कंपनी आज पूरी दुनिया पे छाई हुई है। तो कुकू एफएम पे मुझे पता लगा किया के बारे में कि कैसे किया ने अपना साइकिल पार्ट से स्टार्ट करके और आज एक इतनी बड़ी कंपनी बनी हुई है। जिनको कुकू एफएम के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसपे 4000 प्लस ऑडियो लाइब्रेरी है, आप अपनी पसंद का कोई भी कंटेंट जाके उसपे सुन सकते हैं, मतलब जो चीज आप सुनना पसंद करते हैं वो चीज आप वहां जाके सुनिए और उसके बारे में जानकारी कलेक्ट कीजिए, मतलब अपनी नॉलेज बढ़ाओ यार वहां पे जाके। और ये सारी नॉलेज आप ग्रैब कर सकते हो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, मतलब जो लैंग्वेज आप सुनना पसंद करते हो, समझते हो जिस लैंग्वेज को, उसमें आप ये सुन सकते हैं। और इस पे आपको मिलेगी अनलिमिटेड नॉलेज, मतलब साइंस फिक्शन बॉलीवुड, मतलब सब कुछ यार, एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग, सारी नॉलेज आपको उसमें मिल जाएगी। और ये सारी नॉलेज आपको मिलेगी 50% के मैसिव डिस्काउंट पे। 50% डिस्काउंट कैसे? 399 का एली सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 199 में, अगर आप कूपन कोड यूज करोगे ATO50, और ये फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए। कूपन कोड को जरूर डालें ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, गो चेक। हम बैठे हैं भैया के पास ना, बैठे बैठे ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो अपनी गाड़ी में काम होगा ना वो ऐसा होगा कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब कोई भी बंदा यार भैया ने तो बहुत महंगा लगवाया था और स्वाद नहीं आया। हम ना हाई और मिड मिला के एक अच्छी सेगमेंट बना रहे हैं, अच्छा सेगमेंट बना रहे हैं, जिससे ना एक आउटपुट इतना अच्छा निकल जाएगा कि अगर आपका बजट उसके अराउंड होगा ना तो आपका काम एक नंबर का हो जाएगा। और बाकी सारा फाइनल हम आपको MRP और जितने का आपको पड़ेगा वो भी मैं आपको क्लियरली बताएंगे लास्ट में, एक कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा उसके ऊपर ना, कि एक चीज स्पेसिफिक मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये इतने की है, ये इतने की, ये इतने की है, और उसका ऑल्टरनेटिव बता देंगे। अगर आप ये नहीं लगवाना चाहते तो सोफ्टा सुपर नीचे आप ये भी लगवा सकते हैं, क्यों भैया कोई दिक्कत नहीं, गलत है सही है कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल, हमारे पास ना बल्कि सारे ऑप्शन भी होते हैं, लो भी है हमारे पास, मिड भी है, हाई भी है, तो जैसे कस्टमर का टेस्ट है वैसे सामान मिल जाएगा। भैया को तो मैंने मिड प्लस ही सजेस्ट किया, मुझे पता है टेस्ट अच्छा है। हाँ तो भैया अगर आपका उस बजट में आए तो आप वो देख लेना, उससे कम है तो वो।
जी पहला काम अपना स्टार्ट हो रहा है, डोर पैनल ओपन हो जाएंगे, चारों डोर पैनल होंगे। इन पे क्या काम होगा, इस पे ये जो फैब्रिक है जो अपनी सेम सीट वाला फैब्रिक है वो इस पे आएगा, एंड देन इसके अंदर क्या क्या लगेगा वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा। अभी ये सीट भी खुलनी है ड्राइवर साइड की, भैया बिल्कुल प्यार से खोलना है, कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए, ठीक है, और कोई पेचकस का ऐसे यूं मत लगाना निशान सा, ठीक है ना। तो भाई टाइमिंग अब अपनी ये वाली ये सीट खुल चुकी है, तो भाई ये है अपना गत्ता, और ये देखो ये वाला पार्ट हमने इसका रिमूव कर लिया, भाई निकाल लिया हमने इसको, ऐसे से ये ऐसे होता है। भाई अपनी ये दो फ्रंट सीट भी तैयार हो चुकी हैं, तो भैया ने ना अपना एक कस्टमाइज हाउस बना रखा है कमल भैया ने, तो भाई यहाँ पे अब अपना ना इसका ये तैयार हो रहा है, जो आर्मरेस्ट पे लगेगा ना कपड़ा, यहाँ किस आर्मरेस्ट पे डोर का जो यहाँ पे हाथ रखने का होता है एरिया पिंक करेगा, यहाँ से डबल स्टिचिंग होएगी, तो सारा काम इन हाउस है भाई। अगर आप अपनी गाड़ियाँ कस्टमाइज अपनी मर्जी कहाँ जाते हैं तो आप ऐसे करा सकते हैं। तो भाई इससे ना स्टिचिंग खुलती नहीं और ना ऐसे खिंचता नहीं है, और बाकी भाई ये देख लो ऐसी है कि अगर आप खींच भी दोगे ना कपड़े को बीच में से, हाँ, तो आपको गैप नजर नहीं आएगा, हाँ, ये पूरा क्लोज्ड है, हाँ, खींचेगा नहीं। तो भाई ये देख लो ऐसे बन के आ गया, डबल स्टिचिंग हो गया, जैसे हमने सीट कवर सेम वही है, सेम वही फैब्रिक है। ले भाई प्रदीप लगा, फाइनली मेरे को भाई पप्पू भैया मिल गए हैं, अब ये पता नहीं कितने दिन बाद मिले हैं, ऐसे लग रहा है पप्पू भैया मैं कितने, वैसे गलती मेरी भी है, मैं आया भी तो दोपहर को ना अपने काम निपटा के, है ना, सुबह नहीं आया। तो भाई यहाँ आने का तो सबसे बढ़िया टाइम है सुबह, अगर सुबह पप्पू भैया जिस गाड़ी में लग गए ना, ये पूरा डेडिकेटेड है भाई, फिर ये नहीं देखते कि आप इनसे काम कब तक है, नहीं ये कहते भाई उस गाड़ी को निपटाऊंगा फिर आऊंगा मैं गाड़ी में, क्यों, क्योंकि इनको चाहिए पीस ऑफ माइंड, अपने तसल्ली से काम। अब भैया आ गए अंदर, आराम से पानी पूनी पिया है, पसीने सुखाए, अब दोबारा यहाँ पसीने गेन करेंगे भैया और अपनी गाड़ी का मस्त काम होएगा। अब मैं भैया को छेड़ता नहीं हूँ, चुपचाप काम कर देता हूँ, जैसे जैसे जो काम होगा। अब ये वाला बता देता हूँ, ये वाला हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि अपने को ना जो ये स्पीकर चेंज होएंगे ना, ये स्पीकर देखो इनमें कोई कमी नहीं है, स्पीकर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, क्वालिटी भी इनकी बहुत बढ़िया है बाबू भैया, अच्छे स्पीकर तो ये हारमन वाले, इनमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन मैं इसको क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एम्प और बेस ट्यूब दोनों चीज लगा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं कंपेटेबल स्पीकर चेंज हम इसमें करेंगे, तो हमारे को एक्स्ट्रा वायरिंग ना डालनी पड़े, इसीलिए वहां कपलर का ना पिन विन का वो काम कर रहे हैं भैया, ताकि वही वायर यूज हो जाए। ऐसा है, एक नया पप्पू भैया तैयार होने जा रहा है, ये बैठा है भाई हैरान, हेलो बोल दे भाई सबको, हेलो भाई, शर्मा रहा है भी थोड़ा सा, हेलो देखा, हेलो देखा इसका कितना हेलो। तो भाई ये दूसरे पप्पू भैया बनना, वैसे भाई देखो क्या पता ये पप्पू भैया से आगे भी बढ़ के चले जाए, पर भाई अभी तो ये सीख रहे हैं बिल्कुल, मतलब एक एक बारीकियां सीख रहे हैं कि कौन सा काम कैसे होता, इतना से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। तो भाई अब अपनी ये जो कवरिंग करके देती है टाटा यहाँ पे, पर भाई चद्दर इसकी बहुत ही ज़्यादा मोटी है भाई, और इन कवरिंग के ऊपर भाई लगेगी अब डैम्प शीट, ये उतर जाएंगे। अब भैया उतार रहे हैं इसके स्पीकर, हारमोन के स्पीकर लगे थे भाई इसमें, और भाई पप्पू भैया ने ना फाइनली कमाल कर दिया, कोई वायर नहीं काटी भाई, वहीं से सिस्टम अपना बना दिया हमने, कपलर इसका मतलब इसका प्रॉपर नहीं मिला, हमने कौन सी गाड़ी का बनाया भैया इसका, सुपर्ब गाड़ी का, और उसका भैया ने करके ना भाई इसका कपलर बना दिया, और भाई मजेदार हो गया ये काम इसका। चलो भाई मेरे को वायरिंग कटवाना ना अच्छा नहीं लगता, हाँ अपने को एम्बिएंट लाइटिंग के लिए वायरिंग जरूर डलवानी पड़ेगी, खैर वो तो अपने शौक के लिए करवा रहे हैं ना, ये तो जरूरत थी, और मतलब ऐसा था, ये देख लो भाई आप कपलर, पप्पू ये दिखाना है कपलर की वाला, देखो ये कपलर था भाई ये, और भाई अपना ये एक स्पीकर भी खुल चुका है, जिसकी भाई क्वालिटी में ये नहीं कहता कि हल्की है, लेकिन वही बात है ना, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी कंपेटिबिलिटी के हिसाब से अपने को चाहिए जो एम्पोर वूफर इंडिया लिमिटेड। भाई हैरियर में क्या है, हैरियर में ना यहाँ से हम वायरिंग नहीं लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ से ना पैकिंग नहीं हो सकती, और उसमें हो जाता है फिर चूहा घुसने का डर, हम लाए भाई फेंडर के यहाँ से लाइट तार है ना पप्पू भैया, अभी एयर फिल्टर के नीचे से आएगी, पता ही नहीं लगा भाई तार आ गई, देखो साइड से आ गई भाई चल के तार, और यहाँ से ये सीधा ना बाहर दिखेगी भी नहीं, ये खिड़की में आने से पहले ही यहाँ अंदर घुस जाएगी, ए यहाँ अंदर घुस जाएगी, यहाँ पे अंदर चली जाएगी, और फिर ये अंदर निकल आएगी, अभी दिखाता हूँ डिटेल में कैसे किया भैया ने। कल को अगर मान लो खोलना ना पड़े, उसके लिए चार तार ये अलग से स्पीकर की भाई पहले से डाल के ले ली, हालांकि हमने तो ये ओरिजिनल वाली ही यूज़ करी है भाई, हमने किए नहीं, ये एक्स्ट्रा रिंग इस पर लग गए भाई, एंड इसके अंदर भी अपन बस सिर्फ एक वायरिंग जो यहाँ से जाएगी वो जाएगी आपकी एम्बिएंट लाइट की, और एम्बिएंट लाइट की फिटिंग कर रहा है ये विक्की भाई कर रहा है अपना भाई, इसी बीच ज्वाइन कर लिया है हमारे एम्पलीफायर ने भी पप्पू भैया को, तो पप्पू भैया अब इसकी भाई वायर वायर हो गए, इससे कनेक्शन बिठाएंगे। इसी बीच अपने ये आर्मरेस्ट भी खुल गया, देखो कितनी सारी स्टेपल्स है, ये सारी स्टेपल निकल के ये अपना निकलाएगा कवर, देन सेम ऐसा सीट कवर्स वाला ऐसे डबल स्टिचिंग में करके स्टिच करके
और इसको ऐसे स्टेपल कर देंगे। फिर अब आपको रेडी किया हुआ दिखाता हूँ। तो देख ईमानदारी में तू फेमस नहीं हुआ, अब तू बेईमानी में जरूर फेमस हो जाएगा भाई। ये ना गाड़ी खड़ी करवाते एक बंदे ने, देखो भागे भाई, देखो 6 घंटे लगाए तो 300 लूंगा पार्किंग चार्ज, 300 रुपए। अच्छा, और अगर 1 घंटा लगाया तो 40 रुपए लूंगा। तो भाई तू तो पर गाड़ी 150 रुपए लेके जा रहा है। पर गाड़ी 150 लिया, काम तो हुआ ही नहीं दो गाड़ी में तो भाई। ये देख अभी तो हंस रहा था, पैसा लेके थे भाग गया। फेमस कर देना जरूर, बहुत बार वीडियो बनाना। अरे भाई इसको फेमस कर देना भाई, भाई इसको जरूर फेमस कर देना। और भाई ये हो रही है अपनी गाड़ी की डंपिंग। मतलब मैं ना अब आपको ना प्रोसेस मतलब ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, धीरे धीरे जो जो प्रोसेस जैसे जैसे होता जा रहा ना, वह तो यूं हो कि भाई पूरी डिटेल में घुस जाऊं। अरे देखो अब ये लगा रहे, मतलब जो चीज लग रही होगी ना वो उसी सीरीज में बताता रहूँ आपको। जैसे वायरिंग होगी, वायरिंग का काम हो गया, अभी थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई थी पप्पू भैया यहाँ भाई का बम्पर में फोक लैंप फिट कर रहे हैं, तब तक अपनी ये डैम्पिंग कंप्लीट हो जाए। जब चारों डैम्पिंग कंप्लीट हो जाएगी, स्पीकर रिंग हमारे लग चुके हैं, सिर्फ स्पीकर लग रहे हैं बाकी है। और भाई हम ना कोई वायरिंग कट नहीं कर रहा है इसमें, ये आता है इसका कपलर आता है जो ओरिजिनल फिटिंग में है। देखो ये भाई लगा के दिखाएंगे, ये इसमें लग जाएगा, ये होगा फिट। देखो लॉक में चला गया अंदर, और यहाँ से भाई ये अपने जो नए स्पीकर लगेंगे उनमें फिट हो जाएगा। मस्त बात, ये है ना अपने हेडरेस्ट तैयार हो रहे हैं 17 के नाम से। अब समझ में आ गया कमल भैया क्यों बेस्ट स्टाइल, मतलब क्या चीज आपको चाहिए भाई वो चीज मिलेगी। रिक्वायरमेंट कस्टम, हाँ टाइम देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा भाई। वक्त दोगे ना, और वक्त की तो भाई देख लो अभी 9 बजे हैं, 12 यही बज जाएंगे आज हमारे को, पर भाई वक्त आपको जरूर देना पड़ेगा तब ये काम आपकी पसंद का होगा। कस्टमाइजेशन के अंदर आपको मुझे 3 से 4 दिन का टाइम देना पड़ेगा। विक्रम भाई के लिए तो ऑन डिमांड हमने कर दिया जल्दी। हाँ भाई ये तो प्यार है भैया का, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना अपना 17। क्या बस पे भी जल्दी कर देंगे, कोई नहीं भैया अपनी रिकमेंडेशन में फिर तो जल्दी कर ही दोगे। बिल्कुल होगा, विक्रम भाई की रिकमेंडेशन कुछ भाई ऑटोमोटिव 17 फैमिली का भाई काम ऐसे होगा जैसे अपनी गाड़ी का हो रहा है। तो भाई ये देखो अपनी सीट ये वाली फिक्स हो गई है ऊपर, इसके 2 नट लगते हैं पीछे, और अब ये वाली रख दी है, जस्ट ऐसे जाके अंदर फिक्स हो जाती है, और 2 नट एक यहाँ लगेगा एक वहाँ लगेगा। चलो भाई करो इसको फिट, लगाओ इसके नट। तो भाई ये अपना 17 नंबर ना ऐसे बन रहा है, आपको मशीन की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, मेरी कम, पर मैं आपको ना दिखाने के लिए ले आया कि 17 नंबर अपना कैसे बन रहा है, ये देख लो भाई। कोई नहीं, अब भाई जो ये प्रिंट इसको मिलता है ना कमांड, वो पेन ड्राइव से मिलती है भाई, ये पेन ड्राइव इसमें लगाने पड़ती है, जो सा डिज़ाइन आपको चाहिए वही पेन ड्राइव इसमें डाल दो। और भाई ये अपना कपड़ा जो अपनी सीट कवर्स बने हैं सेम वैसा ही कपड़ा लग के आ गया, ये देखो सेम स्टिचिंग मैंने आपको दिखाई थी ना ऐसे, तो मतलब उस कपड़े को ही खींचते हैं ना तो फिनिशिंग नहीं आती, वो बाद में ऐसे उतरने रहे, तो क्यों अपना सबसे बढ़िया तरीका है कि अपना स्टिचिंग दे दो डबल। और पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ इसको पीछे से कैसा दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा ये, जैसे हम इसको निकालते हैं ना, ये देख रहे हो ये जितने भी वास्तर हैं वाशर के साथ पेच लगा के वापस इसको वैसे ही पक्का करके कस दिया भाई, 1 नंबर काम हो गया। देखो सेम ऐसे ही पेस्टिंग ये कर दिया कटिंग करके, अब फाइनल होता है जब दिखाता हूँ। आप चलते हैं एम्बिएंट लाइट की तरफ। नहीं एम्बिएंट लाइट रिंग वाली, स्पीकर में रिंग वाली भाई बहुत कम लोग लगवाते नहीं है, लेकिन हम भाई इस रिंग वाली भी लगवाएंगे ताकि स्पीकर के अंदर से भी लाइट आए। बाकी इसका पूरा डिटेल बताएंगे अपने कवर भैया। ये जो एम्बिएंट लाइट है कार्डी ब्रांड की, और ये 22 पीस के अंदर, दो डायबोर्ड होगी, 4 दरवाजे हो गए, 4 आपके इनर हैंडल हो गए, 4 वाटर बोतल होल्डर हो गई, पेडल लाइट होगी आगे पीछे, और प्लस आपके स्पीकर मतलब दबा के लाइट होगी इसमें। अपने 17 नंबर के हेडरेस्ट दिखा भाई, एक बार दिखा दे भाई, ये बात 17 नंबर 17 ऑल बिकॉज ऑफ कॉल भैया, ऑल बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने हमें इंस्पायर किया। तो भैया अच्छा है ना, मतलब मैं छोटे छोटे आइडियाज आपको देता रहता हूँ तो अच्छे नहीं लगे, आप भी करवाना अपनी गाड़ी पे। तो भाई अपनी होगी एक लाइट ये हो गई, एक लाइट यहाँ बोतल होल्डर की होगी, और एक ये एलईडी स्ट्रिप होगी, ये आता भाई इसका एडाप्टर सा होता है ये वाला, ये कार्डी की है भाई अपनी लाइट 22 पीस की, कल भी होता है देखिए इसका, मतलब सारी अटैचमेंट इसकी है, और यहाँ से इसको करंट मिलेगा, ये रोलर घुमाया जाता है ताकि इसकी अच्छे से पकड़ हो जाए, यहाँ पे ना अच्छे से इसको पकड़ कर लेगा। और भाई ट्विटर के बिना ही भाई बंद कर रहे हैं, फिर गत्ता खोलना पड़ता है, स्माइल कर रहा है भाई अब। तो भाई ये ट्विटर के साथ कनेक्शन दे दिया इसका, अब यहाँ ट्विटर फिक्स करना है, यहाँ पे आता है इसका ट्विटर कंपनी जगह देती है वो वाला लगेगा। और भाई रात के बज गए हैं 11 और हमने दिन बना रखा है, हैं भैया कब पे शट पे लगा रहे हैं भाई, काम करो पसीने देख लो भाई, पूरी मार्केट में हम ही छाए हैं भाई, देख लो मजा आ रहा है पूरा। जो गाड़ी की डोर्स है ना ये कंप्लीट तैयार हो गया भैया अपने ना, इनका कोई काम नहीं है, पीछे की सीट कंप्लीट होगी, ये देखो अपने 17 कैसे लग रहे हैं, बताना भाई कमेंट बॉक्स में कि एड्रेस पे 17 कैसा लग रहा है।
ये चिट्टे रख दी, जो सामान बचेगा अभी कल फाइनल होगा, बाकी अब तो जो लगा दिया लगा दिया। मोस्टली अपने को बस इतना करना है कि कल सुबह के लिए ना खाली सिर्फ अपना वायरिंग फिट करने का काम बचेगा, और इसमें बस अपना एम्बिएंट लाइट की फिटिंग होगी और ये म्यूजिक सिस्टम होगा। बार आवाज़ वगैरह भाई जो भी सुनानी है वो मैं आपको कल ही सुना पाऊंगा। अभी तो भाई ऐसे ही गत्ता लग जाता है, ये सारे स्क्रू लगते हैं, फिर ये वाला लगता है बंदे ने इसके ऊपर, ये पकड़ने वाला ये लग जाता है ऐसे, ये पूरे लॉक होते हैं इसमें। कितनी देर हो गया हमारे को, 12 बज गए भाई, ऑलमोस्ट 12 बज गए भाई, 90% 95%। हाँ हमने काम खींच दिया, काम खींच दिया, क्योंकि मैंने भैया को दो दिन का टाइम मांगा था, बट हमने एक ही दिन के अंदर 95% काम खींच दिया। हाँ क्योंकि भाई ऐसा हो गया कि कल ना अपने को ट्रिप के लिए निकलना है और फिर भाई हो जाएंगे लेट, तो इसीलिए ना आज हमने मोस्टली काम खींच लिया गाड़ी का, वो मैं गाड़ी में अब चलते चलते आपको बता दूंगा। अब भैया को भी लेट नहीं करूँगा भाई, भैया के भी घर से बहुत फोन आ रहे हैं, मेरे भी फोन आ रहे हैं, अब बाकी बात एक गाड़ी चल के जाऊँगा और पूरा डिटेल तो फिर अगले वीडियो में आपको पता लग ही जाएगा। चलो जी चलते हैं, कल मिलेंगे, कल मिलते हैं, अब कल मिलते हैं। सो गया था, जाग रहे थे आप, गाड़ी होगी अभी अपनी। ये क्या हो रखा है, क्लब है, स्क्रीन का है, स्क्रीन रखी यहाँ पे, रखी है, रखी सीट कैसी लग रही है, पहले बता सीट के ऊपर ही क्या दिखा हुआ है, एड्रेस पे क्या लिखा हुआ है, कैसा लग रहा है 17 में, अच्छा लग रहा है। बस ये वाली सीट रह गई है बेटा, क्योंकि अभी यहाँ वो है ना, देखो ये दिखाता हूँ आपको, ये रहा अपना एम्पलीफायर, ये उतरे हुए स्पीकर हैं, एंड ये कल लगेगा सारा, फिटिंग अपनी कल हो जाएगी इसकी है बेटा। हाँ एक सीट वही है। तो जी देखो लगता है ना टाइम, देखो अगर आप गाड़ी में तसल्ली से काम करवाओगे ना और अच्छे से काम करवाओगे तो भाई उस चीज़ में टाइम लगता है और आपको उस चीज़ के लिए टाइम निकालना भी चाहिए। XT प्लस मैंने जब सोच के लिया था कि भाई मेरे को ये चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज करवानी, तो वो मैंने करवा ली, तो मुझे ना तो उसके लिए कोई चीज़ उतारनी पड़ी। तो लोग कहते हैं ना सर आपने वो नहीं ली, और भाई प्लीज़ रियर फोग लैम्प भाई वो जो पीछे लगता है ना रेड वायर कट करनी पड़ेगी, उसकी अलग से वायर आएगी, क्योंकि XT प्लस मॉडल के अंदर एग्जिट वाला वो वायरिंग नहीं आती, आती तो भाई लगवा लेता है। और भाई जो नाम वाली नंबर प्लेट होती है ना वो भाई टोटली इलीगल है भाई, टोटली इलीगल है, अगर वो पकड़ी गई तो सीधा गाड़ी इम्पाउंड होगी भाई, आगे कोई भी नहीं लगाए मिलेगा उस प्लेट को, ये बात भी नोटिस कर लेना आप, उसे पीछे वाले लगाते हैं ताकि पता लगे, गाड़ी तो आगे से क्रॉस होगी फिर पीछे वाली भी इतना कोई ध्यान देता नहीं, हिम्मत ऐसी अगर चलान भाई अगर इतनी हिम्मत रखते हो तो आगे लगा के दिखाओ ना भाई, फिर पता लग जाएगा कहाँ से इलीगल है और कहाँ से इलीगल नहीं है, तो भाई वो टोटली इलीगल है वो नंबर प्लेट। तो ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और कल के व्लॉग में सारी चीज फिट हो जाएगी और सारी वर्किंग करते हुए आपको दिखाऊंगा। और एक बात तो रहेगी, नई स्कॉर्पियो लॉन्च हो गई है भाई, उसका व्लॉग भी जल्दी आएगा, एंड ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं और गाड़ी, काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि विक्रम भाई आप सिर्फ अपनी टाटा से ही प्यार, ओ भाई ऐसा नहीं है, ऑटोमोटिव 17 हर चीज की नॉलेज रखता है, लेकिन भाई पता क्या है, अब मैं जो ये चीज रेगुलर करवा रहा हूँ, मतलब अब करवा रहा हूँ, फिर मैं इसको पोस्ट करूंगा 4 दिन बाद या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद, उस चीज का क्या फायदा, एक रिदम से रूटीन से भी तो होना चाहिए ना, एक चीज ही लेट दूं मैं आपको 4 दिन बाद 5 दिन बाद बताऊं तो उससे आपको फायदा नहीं है भाई, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन डिले हो सकता है, उससे ज्यादा डिले मैं नहीं करता। और एक गाड़ी तो मैंने अब तक आपको दिखाई भी नहीं, बस वो बतानी है, काफी दिन पहले की बात है वो, ठीक है, तो उसका भी रिव्यू मैं जल्दी डालूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ओके क्लब है, गुड नाइट, वैसे गुड मॉर्निंग हो गया भाई, सुबह के 1 बज चुके हैं, ओके जी गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।